भगवते वासुदेवाय ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। इत्थं भावेन कथितो भगवान भगवत्तमः न इत्थं भावेन हि परं द्रष्टं अर्हन्ति सूर्यः। इत्थं भावेन कथितो भगवान भगवत्तमः न इत्थं भावेन हि परं द्रष्टुम् अर्हन्ति सूर्यः। मेरे साथ पढ़िए। इत्थं भावेन कथितो इत्थं भावेन कथितो इत्थं भावेन कथितो तमः भगवान् भगवत्तमः न इत्थं भावेन हि परम् अर्हन्ति सूर्यः। शब्दार्थ है इत्थम्, इन रूपों में भावेन सृष्टि तथा संहार का विचार कथितः कहा गया। भगवान भगवान भगवत्तमः महान तत्व ज्ञानियों द्वारा। न नहीं, इत्थम् इसमें भावेन स्वरूप ही केवल परम अत्यंत महिमावान दृष्टुम देखने के लिए अर्हन्ति योग्य होते हैं सूर्य परम भक्त। सूर्य शब्द आता है आपने ये भागवतम के पहले स्कंद के पहले श्लोक में भी आया है। महान आत्माओं के लिए आता है सूर्य। बड़े बड़े तत्वज्ञानी, तत्वज्ञान कहते हैं भगवत का, भगवान का ज्ञान। बड़े बड़े तत्वज्ञानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का ऐसा ही वर्णन करते हैं, किंतु शुद्ध भक्त भावाती दशा में ऐसे रूपों से भी बढ़कर महिमा मन महिमामय वस्तु में देखने के अधिकारी होते हैं। मेरे साथ पढ़िए। बड़े बड़े तत्वज्ञानी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का ऐसा ही वर्णन करते हैं, किंतु शुद्ध भक्त भावाती दशा में ऐसे रूपों से भी बढ़कर महिमामय वस्तुएं देखने के अधिकारी होते हैं। तात्पर्य। हरे कृष्णा हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, भगवान केवल अपने विविध शक्तियों से उत्पन्न भौतिक संसार की ये सृष्टा तथा संहारक नहीं है, वे मात्र सृष्टा तथा संहारक से बढ़कर है, क्योंकि उनका एक आनंद रूप भी है। भगवान का यह आनंद रूप केवल शुद्ध भक्तों के लिए गम्य है, अन्यों के द्वारा नहीं। निर्विशेषवादी भगवान के सर्वव्यापी प्रभाव को समझकर ही तुष्ट हो जाता है, यह ब्रह्म साक्षात्कार कहलाता है। निर्विशेषवादी से भी बड़ा यह वह योगी है जो भगवान को अब उनके अंश रूप परमात्मा के रूप में अपने हृदय में स्थित देखता है। किंतु ऐसा शुद्ध भक्त भी है जो प्रेमा भक्ति के आदान प्रदान से भगवान के आनंद शक्ति में हिस्सा बांटते हैं। भगवान अपने शाश्वत धाम वैकुंठ लोक में सदैव अपने पार्षदों के साथ रहते हैं और अपने भक्तों के विभिन्न दिव्य रसों में ही में की गई दिव्य प्रेमामय सेवा का आनंद उठाते हैं। इस प्रकार सृष्टि के प्राकट्य की अवधि में शुद्ध भक्त भगवान के भक्तिमय सेवा का अभ्यास करते हैं
और वे अपने को भगवान के धाम जाने के लिए योग्य बनाकर पूरा लाभ उठाते हैं। भगवत गीता 18.55 में इसकी पुष्टि की गई है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्रस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विश्यते तदान्तरम्। शुद्ध भक्तिमय सेवा के विकास से ही भगवान के वास्तविक रूप में जाना जा सकता है और इस प्रकार उनकी प्रामाणिक सेवा में प्रशिक्षित हुआ जा सकता है और अन्यया रूपों में भगवान के प्रत्यक्ष संगति में पहुंचा जा सकता है। भगवान की सर्वोच्च संगति गोलोक वृंदावन लोक में संभव है, जहां भगवान श्री कृष्ण गोपियों तथा अपनी चहेती सुरभि गाय के साथ रमण करते हैं। ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण की इस दिव्य भूमि का वर्णन आया है, जिसे भगवान श्री चैतन्य इस विषय का अत्यंत प्रामाणिक साहित्य मानते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो जो कहा गया ऊपर श्लोक में कि इससे भी महिमा मन शुद्ध भक्त जो है, जो आपके इसमें आया था, बड़े बड़े तत्व ज्ञानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का ऐसा ही वर्णन करते हैं। उनका वर्णन है, वो वर्णन निर्विशेष वादियों के लिए भी है, हमारे लिए भी है। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो भव आती दशा में ऐसे रूपों से भी बढ़कर महिमामय वस्तुएं देखने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि भगवान की अनुभूति तीन तरह से होती है। या तो आप भगवान को ब्रह्म में लीन हो गए, आपने समझ लिया कि ये आपका सब कुछ हो गया, सब ब्रह्म साक्षात्कार जिसे कहते हैं। फिर है परमात्मा साक्षात्कार, विस्तृत योगी अपने हृदय में परमात्मा को देख सकते हैं। उससे भी बढ़कर है भगवान का शुद्ध भक्त, जो भगवान को आनंदमय रूप में देखता है। कहाँ देखता है? या वैकुंठ में, या गोलोक वृंदावन में। ये इसकी इसकी व्याख्या की गई। और ये ब्रह्म संहिता चैतन्य महाप्रभु बहुत इसको प्रामाणिक साहित्य मानते हैं, क्योंकि ब्रह्म संहिता वो खुद लेके आए थे। कहाँ से? दक्षिण भारत में जब उनकी यात्रा थी, तो वहां से उनको मिला था ये। तो उसके अभी तो ब्रह्म संहिता हम लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन उस समय यहाँ अवेलेबल नहीं थी। नॉर्थ में, साउथ से चैतन्य महाप्रभु लेके आए थे, उसको फिर छपवाया था, क्योंकि ब्रह्मा जी की स्तुति है। ब्रह्मा जी वो पहले पुरुष हैं जिन्होंने भगवान का दर्शन किया था, और उन्होंने उनके बारे में लिखा है। अब इतना अच्छा ब्रह्मा जी कैसे लिख पाए, ये भी ध्यान की बात, ये भी सोचने वाली बात है। इतनी तो ब्रह्म भगवान का इतना अच्छा वर्णन है, वो कैसे लिख पाए? आप भी लिख पाएंगे अगर आप भगवत धाम चले जाएं, तो एक तो आप दिव्य हो जाते हैं, एक दूसरा क्या होता है, आप ज्ञान के भंडार, पूरा ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है। एक तो भगवत प्राप्ति होती है, एक पूरा ज्ञान प्राप्त होता है। आप जैसा चाहें वैसा बोल सकते हैं, वैसा लिख सकते हैं, यह आपने आ जाता है। और तीसरी बात क्या है? आनंद। आप परमानंद बन जाते हैं वहां पर। आनंद, इतने खुश आनंद, वही तो लक्ष्य है जीवन का। तो ये चीजें वहां पर अपने आप आते हैं। और ब्रह्मा जी को भगवान ने जो ज्ञान दिया, उससे ब्रह्मा जी में ये, क्योंकि वो ये साक्षात वेद कहते हैं ना ब्रह्मा जी को, क्योंकि वेदों का जो ज्ञान है भगवान ने ब्रह्मा जी को सबसे पहले पढ़ती है, वो पढ़ती है, पढ़ती पढ़ती पढ़ती। 45वां श्लोक है, न अस्य कर्माणि जन्मादौ परस्य अनुविधीयते कर्तृत्व प्रतिषेधार्थम् माया आरोपितम् हितत्। न अस्य कर्मणि जन्मादौ परस्य अनुविधीयते कर्तृत्व प्रतिषेधार्थम्
माया आरोपितम हितत। मेरे साथ पढ़िए, नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्य अनुविधीयते कर्तृत्व प्रतिषेधार्थम माया आरोपितम हितात्। अर्थ है न कभी नहीं अस्य इस स्त्री के कर्मणि कार्य में जन्म आदव शिष्य तथा संहार परस्य परमेश्वर का अनुविधीयते इस प्रकार वर्णित है। कर्तृत्व कौशल प्रतिषेध अर्थम निषेध करने के लिए माया बहिरंगा शक्ति द्वारा आरोपितम प्रकट होता है कि क्योंकि तत् सृष्टा भौतिक जगत की सृष्टि तथा संहार के लिए भगवान के द्वारा किसी प्रकार का प्रत्यक्ष कौशल नहीं किया जाता। उनके प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के विषय में वेदों में जो कुछ वर्णित है वह केवल इस विचार का निराकरण करने के लिए है कि भौतिक प्रकृति ही सृष्टा है। मेरे साथ पढ़िए, भौतिक जगत की सृष्टि तथा संहार के लिए भगवान के द्वारा किसी प्रकार का प्रत्यक्ष कौशल नहीं किया जाता। उनके प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के विषय में वेदों में जो कुछ वर्णित है वह केवल इस विचार का निराकरण करने के लिए है कि भौतिक प्रकृति ही सृष्टा है। हाँ, तो इसमें मतलब है कि भगवान इतना हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जहाँ पर भी आपको लगता है हाँ किया है भगवान ने, हाँ वो ये इस चीज को प्रूव करने के लिए कि प्रकृति सृष्टि नहीं करती, ये भौतिक प्रकृति सृष्टि नहीं करती। कि कहीं पर लिखा है भौतिक प्रकृति ही सृष्टा है, ये सही नहीं है। वहां भगवान हस्तक्षेप करते हैं ये बताया गया। तात्पर्य मात्र। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। सुधीर प्रभु जी हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए प्रभु। प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। प्रभुपाद जी की जय। भौतिक जगत की सृष्टि पालन तथा संहार के विषय में वैदिक आदेश इस प्रकार हैं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यभिसंविशन्ति, अर्थात प्रत्येक वस्तु ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न है, सृजन के पश्चात प्रत्येक वस्तु ब्रह्मा द्वारा पालित है और ब्रह्म द्वारा पालित है और संहार के पश्चात ब्रह्म में संरक्षित रहती है। निपट भौतिकवादी ब्रह्म परमात्मा या भगवान के विषय में कुछ भी न जानने के कारण प्रकृति को भौतिक संसार का परम कारण मानते हैं और आधुनिक विज्ञानी भी यही मत व्यक्त कर देता है कि भौतिक संसार की समस्त वस्तुओं का चरम कारण प्रकृति है। सारा का सारा वैदिक साहित्य इस दृष्टिकोण का खंडन करता है। वेदांत दर्शन का कथन है कि समस्त सृष्टि स्थिति तथा प्रलय का मूल स्रोत मुख ब्रह्म है और वेदांत दर्शन के सहज भाष्य श्रीमद् भागवत का कथन है कि जन्मादि यतो नवायात इतराश्र अर्थेषु अभिज्ञासु नात्। हाँ,
स्वराष्ट्र है। जल पदार्थ में निसंदेह क्रिया करने की शक्ति निहित होती है, किंतु इसके इसमें कोई स्वतः प्रेरणा नहीं होती। अतः श्रीमद् भागवत जन्मास्य सूक्ति की टीका यह कहते हुए करता है कि अभिज्ञ तथा स्वराज अर्थात पर ब्रह्म जड़ पदार्थ नहीं है, अपुतु परम ब्रह्म ए परम चेतन और स्वतंत्र है। अतः भौतिक जगत की सृष्टि ऊपर से प्रकृति की सृष्टि स्थिति तथा संहार का कारण स्वरूप जान पड़ती है, किंतु यह प्रकृति परम चेतन भगवान द्वारा सृष्टि के लिए प्रेरित होती है। वे ही समस्त सृष्टि पालन तथा संहार का मूलाधार है, और इसकी पुष्टि भगवद गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में हुई है। प्रकृति हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, किसी और को देखो जी माता जी, हरे कृष्ण लीना दवे माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मैयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। प्रकृति भी भगवान की शक्तियों में से एक है और भगवान के आदेश अध्यक्षेण से ही कार्य कर सकती है। भगवान जब प्रकृति पर अपनी दिव्य दृष्टि फेरते हैं तभी वह कार्य कर सकती है। जिस प्रकार पिता के संसर्ग से ही माता गर्भ धारण करती है, यद्यपि अबुद्ध व्यक्ति जो व्यक्ति को लगता है कि माता पुत्र को जन्म देती है, किंतु अनुभव व्यक्ति जानता है कि पिता ही पुत्र का जन्मदाता है। अतः भौतिक प्रकृति परम पिता के संपर्क में आने पर ही जड़ तथा चेतन पदार्थों को जन्म देती है, स्वतंत्र रूप से नहीं। प्रकृति को ही सृष्टि पालन तथा संहार का कारण मानना बकरी के गले में लटकते मांसल तोथड़ों को स्तन मानने का तर्क जैसा है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत में अजागर स्तन तर्क की व्याख्या इस प्रकार की है। इसका उल्लेख कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने किया है। प्रकृति भौतिक कारण के रूप में प्रधान कहलाती है और समक्ष सक्षम कारण के रूप में माया कहलाती है, किंतु चूंकि यह जड़ पदार्थ है अतः यह सृष्टि का परोक्ष कारण नहीं है। कविराज गोस्वामी इसे इस प्रकार कहते हैं, अतएव कृष्ण मूल जगत कारण प्रकृति कारण यच्छे यजागल स्तन। चूंकि कारणों साई विष्णु श्री कृष्ण के अंश है, अतः वे ही पदार्थ को गतिशील होने के लिए विद्युत शक्ति प्रदान करते हैं। विद्युत प्रदान करने विद्युतीकरण का उदाहरण उपयुक्त है। लोहे का टुकड़ा अवश्य ही अग्नि नहीं है, किंतु जब इसे तपाकर लाल कर दिया जाता है तो इसमें जलाने की क्षमता के कारण अग्नि का गुण आ जाता है। पदार्थ की तुलना लोहे के खंड से की जाती है और यह विष्णु की परम चेतना की चितवन से या युक्ति से विद्युतमय या लाल अंगारा हो जाता है। ऐसे विद्युतीकरण से ही विभिन्न कार्य कारणों में पदार्थ की शक्ति परिलक्षित होती है। अतः जड़ पदार्थ न तो सक्षम है न दृश्य जगत का कारण स्वरूप। भागवत में श्री कपिल देव का कथन है, यथोल्मुका द्विस्फुकिर लिंगा अद्भुदा द्वापि स्वः संभवात् अप्यात्मवे नापि मद्यात् थाग्निः पृथुगुल्मुकात्। मूल अग्नि, इसकी लपट ज्वाला, इसकी चिंगारिया तथा उसका धुआं सभी एक है, क्योंकि अग्नि अग्नि होकर भी लपट से भिन्न है, लपट चिंगारी से और चिंगारी धुएं से भिन्न है। इन सब में अर्थात लपटों चिंगारियों तथा धुएं में अग्नि की सत्ता विद्यमान है, तो भी ये सभी पृथक पृथक सत्ता के साथ अलग अलग होते हैं। दृश्य जगत धुएं के समान है, क्योंकि जब धुआं आकाश में चला जाता है तो वह अनेक रूप धारण करता है जो अनेक ज्ञात एवं अज्ञात रूपों से मिलता जुलता होता है। चिंगारियां जीवों के तुल्य है और लपटे भौतिक प्रकृति
के समान है। मनुष्य को यह ज्ञान लेना चाहिए, यह जान लेना चाहिए कि इनमें से प्रत्येक अपना प्रभाव केवल इसलिए दिखाती है क्योंकि उन्हें मूल अग्नि के गुण की शक्ति प्राप्त है। अतः सभी भौतिक प्रकृति, दृश्य जगत तथा जीव ईश्वर अग्नि की विभिन्न शक्तियां हैं। अतः जो लोग प्रकृति को दृश्य जगत का मूल कारण, सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का कारण प्रकृति है मान बैठते हैं, वे अपने इस निष्कर्ष में सही नहीं होते। भौतिक प्रकृति का भगवान के बिना पृथक अस्तित्व नहीं रहता है। अतः परमेश्वर को समस्त कारणों का कारण न बताना ही अजागल स्तन न्याय का तर्क है। भले ही बकरी के गल स्तन दुग्धमय लगे किंतु उनसे दूध निकालने के लिए प्रयास करना मूर्खता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। एक शब्द आया जिसका मतलब पता नहीं किस चीज के लिए लिखा, ये बहुत अच्छा बताया तात्पर्य में, ये कि भगवान भले ही ये भौतिक जगत ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जहां लगता है भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं है, चीजें होती रहती हैं। आप देखते हैं, आप पौधे लगाते हैं, पानी डालते हैं, पौधे उग जाते हैं, तो और हम बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, खाते हैं, भगवान का हस्तक्षेप आपको लगता कहीं है ही नहीं, ऐसा लगता है। वास्तविक है, पेड़ बढ़ते हैं, हम भी बढ़ते हैं, और हम भगवान से कतई हमारा कोई संपर्क है ही नहीं, ऐसा आप समझते हैं, तो ये उसको उसको इसको नकारता है, ये वैदिक ज्ञान इसको नकारता है। प्रकृति, प्रकृति में क्षमता है सब करने की, जैसा आप हो रहा है, हम बड़े हो रहे हैं बिल्कुल प्रकृति की वजह से, पौधे बड़े हो रहे हैं प्रकृति की वजह से, आप पानी डालते हैं ये बात अवश्य है, तभी बढ़ते हैं, पर लगता है आप पानी डाल रहे हैं, वो छोटे पौधे आप लगाते हैं, पानी डालते हैं, पौधे बड़े होते हैं, और उसके बाद एक समय के बाद उनकी जड़ें इतनी लंबी हो जाती हैं, वो पानी नीचे से सोख लेते हैं, आपको पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, शुरू में जरूरत पड़ती है क्योंकि उसकी जड़ छोटी होती, वहां तक पानी नहीं होता। और आपको ये भी बता दूं, जैसे रेगिस्तान है, रेगिस्तान में कुछ पेड़ उगते हैं कि उनकी जड़ें बहुत ही लंबी होती और वो बड़े हरे दिखते हैं। मैंने देखा था सऊदी अरब में ऐसे पेड़, तो मैं लोगों को पूछा इन पेड़ों को घर के पास क्यों नहीं लगाते हो, इतने पेड़ हरे भरे, ये उन्होंने कहा नहीं, इसकी जड़ें इतनी लंबी होती हैं और जड़ें ढूंढती हैं पानी को, और घरों के लिए नल जाते हैं ना, नल नल घरों में जब आप पानी के सप्लाई करते हैं तो ये जड़ें नलों को ढूंढती हैं क्योंकि उनके अंदर पानी है, और उसको जड़ें उसको लपेट के तोड़ करके वहां से पानी ले लेती हैं, इस वजह से वो पेड़ घर के नजदीक नहीं लगाए जाते, तो पेड़ों की जड़ें अपने आप पानी लेती हैं बाद में। तो इसमें तो आपको लगता भगवान का कहीं हस्तक्षेप है ही नहीं, उसी तरह से तो इसमें बताया गया, हाँ प्रकृति में ये शक्ति है, लेकिन भगवान की दृष्टिपात करने से, अगर भगवान प्रकृति पर दृष्टिपात न करें तो प्रकृति में कुछ भी पैदा न हो, ये शक्ति प्रकृति को भगवान देते हैं। तो ये जो बताया गया प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह से उसको ये कहते हुए, जन्मादे अस्य तो अन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट, स्वराट भगवान, स्वराट का मतलब होता है स्वतंत्र, वो इसलिए नहीं है कि प्रकृति चाहती है, इसलिए नहीं, भगवान स्वतंत्र है कि ये भौतिक प्रकृति भी भगवान की ही शक्ति है, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है तो उन्हीं की, ये शक्ति उनके अंडर है, ये बात है, और जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है वो भगवान की इंटरनल पोटेंसी है, वो पोटेंसी भगवान को भी देखती है, ये बात है, फर्क इतना है, भौतिक प्रकृति भी भगवान की शक्ति है, और भगवान जब इस पर दृष्टिपात करते हैं तब ये सब कुछ संभव है,
उसके बगैर कुछ भी संभव नहीं। अगर आप ये सोचें कि आप अपने आप ही बड़े हो गए, अपने आप पैदा हो गए, जैसे हमारे पिता और माता के संभोग से हम पैदा हुए हैं, और हमारे अपने पत्नी से या पति से संभोग से हमारे बच्चे पैदा हुए हैं, ये अगर आप सोचें कि ये प्रकृति से हुआ है, बिल्कुल हुआ है, कोई गलत नहीं है, बट भगवान की कृपा से। उनकी कृपा ना हो तो नहीं हो सकता। उनकी दृष्टिपात प्रकृति पर है, करो। ये भगवान चाह रहे हैं, ब्रह्मा जी को पैदा किया, उनसे कहा सृष्टि करो, ये उनकी शक्ति है, उन्होंने दिया है, जाओ करो करो। ये जैसे आपके स्वयंभुआ मनु पैदा हुए, कर्दमा मुनि पैदा हुए, भगवान ने पुत्र पैदा किए, कर्दमा ये स्वयंभुआ मनु प्रजापति आए ना, उनके प्रजापति उनको कहते हैं जिनसे सृष्टि करवाई जाती। तो क्या ये पुरुष ही प्रजापति हैं? नहीं, ऋषि लोग, महर्षि पैदा किए। ब्रह्मा जी ने बहुत ध्यान लगाया और अपने इंद्रियों को बस में करके, क्योंकि अच्छे लोग पैदा करने हैं तो आपका ये आपकी मन स्थिति भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने यूं हाथ करके पैदा किए, राक्षस पैदा हो गए। ब्रह्मा जी ने बहुत ध्यान लगा के, भगवान में चित्त लगा के सृष्टि की, महर्षि पैदा हुए, कर्दमा मुनि पैदा हुए, देवहूति के पति। भगवान के महर्षि लोग, ऋषि लोग भगवान के भक्त होते हैं, महान बड़े ज्ञानी होते हैं, जिनका इंद्रिय सुख से कोई संपर्क नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी ने पैदा किया कि सृष्टि करो, प्रजापति बना दिया उनको। तो जब आपके स्वयंभुआ मनु, जिनके तीन पुत्रियां थी, तीन पुत्रियां आकुति, देवहूति, प्रसूति, तीन पुत्रियां, देवहूति के लिए जो योग्य ब्रह्मा जी ने बताया, नारद ने भी बताया उनको कि कर्दमा मुनि इसके लिए श्रेष्ठ वर है, तो उसके पास जाते हैं कि ये मेरी पुत्री के को आप स्वीकार करिए। ऐसे कर्दमा मुनि अपने, क्योंकि वो ऋषि थे महान, वो अपने उनकी कुटिया थी, कुटिया में रहते, और राजकुमारी को लेके जाते हैं। स्वयं वह मनु जो एक बहुत बड़े सारे विश्व के राजा पैदा हुए, ब्रह्मा जी के सबसे अच्छे पुत्र, ब्रह्मा जी बहुत ही खुश हुए उनके बाद। उन्होंने कहा पिताजी सब कुछ हो जाएगा, आप आज्ञा दीजिए। ऐसा पुत्र चाहिए था ब्रह्मा जी को। पहले ब्रह्मा जी के जितने पुत्र हुए तो उनसे बड़ी तकलीफ हुई उनको, ब्रह्मा जी को। जब स्वयं वह मनु पैदा हुए तो उन्होंने कहा कि ये स्वयं वह मनु पहले मनु होते हैं कल्प में ब्रह्मा जी के, तो उन्होंने कहा ऐसा। तो वो अपनी पुत्री देवहूति के लिए, जब देवहूति के बारे में नारद ने बताया, सॉरी देवहूति को, कि कर्दमा मुनि के क्या क्या योग्यताएं हैं, तो देवहूति ने मन ही मन सोचा कि मैं उसी को अपना पति बनाऊंगी। तो और उन्होंने अपने पिता को पता लगा कि इसको कर्दमा मुनि पसंद है, और वो है राजकुमारी, और ये है मुनि, एक कुटिया में रहने वाला। उसके पास जाते हैं, उसको प्रार्थना करते हैं कि मेरी पुत्री को स्वीकार करें। कर्दमा मुनि भगवान के भक्त हैं, कुटिया में रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अवश्य स्वीकार करूंगा, लेकिन मेरी एक ही शर्त है, मैं गृहस्थ में बहुत लंबा नहीं रहूंगा, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। तो ये कथा आप सुनेंगे, तीसरे स्कंद में आती है। तो आजकल हमारा जो शाम के जो क्लास होते हैं उसमें ये चल रहा है। तो ये जो प्रकृति है, ये इसमें शक्ति है, और वह शक्ति भगवान द्वारा दी जाती है, ये बताया गया इसमें। और इसमें एक कृष्णदास कविराज गोस्वामी का वर्णन आया है, आपको पता होना चाहिए
कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के संकलन करता है, जिन्होंने लिखी है चैतन्य चरितामृत। उससे पहले एक भगवान दास गोस्वामी थे जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखा है। चैतन्य भागवत में और चैतन्य चरितामृत में समानता है, कहते हैं। मैंने चैतन्य भागवत नहीं पढ़ा है, मैंने चैतन्य चरितामृत करीब करीब मैं उसके समापन की तरफ जा रहा हूँ। तो चैतन्य चरितामृत में इन्होंने संस्कृत में लिखा, कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो हमारे परंपरा के बहुत बड़े आचार्य हैं, और बहुत वृद्धावस्था में उनको कहा गया कि आप लिखिए करके, उन्होंने लिखा। और उन्होंने ये रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी का को नमन करते हुए, उनकी संगति करते हुए, और जो डायरी में नोट करे हुए तथ्य थे किसके, स्वरूप दामोदर दास गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी थे, उनके और एक कोई और उनके द्वारा उनसे लेकर के प्रमाण लेकर के उन्होंने लिखा है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी जब उन्होंने उनको लेखन कार्य दिया गया। उन्होंने लिखा है कि मुझे तो अब मेरे में शक्ति भी नहीं है कि भगवान मुझे ये शक्ति दे कि मैं इसको पूरा कर सकूं। तो प्रभुपाद ने उसका ट्रांसलेशन किया है, ये चैतन्य चरितामृत का इंग्लिश में प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन किया। और जो श्लोक बंगाली में लिखे हुए हैं, बंगला में, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके प्रभुपाद ने किया। अब तो वो सारे भाषाओं में चैतन्य चरितामृत ट्रांसलेट हो चुके हैं, तो आप किसी भी हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी। तो इंग्लिश में प्रभुपाद ने किया था, बहुत बड़ा कार्य। तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक तो हमारे परंपरा के आचार्य हैं, दूसरा उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी है। 46वां श्लोक है, अयम तो ब्रह्मणः कल्पः सविकल्प उदाहृतः विधि साधारणो यत्र सर्गा प्राकृत भयकृता। मेरे साथ पढ़िए, अयम तु ब्रह्मणः कल्पः। सविकल्प उदाहृतः विधि साधारणो यत्र सर्गा प्राकृत भयकृता। शब्दार्थ है अयम सृष्टि तथा संहार की यह क्रिया तो, लेकिन ब्रह्मण ब्रह्मा का, कल्प ब्रह्म का एक दिन, सविकल्प ब्रह्मांडों की अवधि समेत, उदाहरतः उदाहरण के रूप में, विधि ही विधि विधान साधारण संक्षेप में, यत्र जिसमें, सर्गा सृष्टि प्राकृत प्रकृति के विषय में, व्यकृता विनियोग व्यय। भावार्थ है, यहाँ पर सारांश रूप में वर्णित सृष्टि तथा संहार का यह प्रक्रम ब्रह्मा के एक दिन कल्प के लिए विधि विधान स्वरूप है। यही महत् सृष्टि का भी नियामक विधान है जिसमें प्रकृति विसर्जित हो जाती है। मेरे साथ पढ़िए, यहाँ पर सारांश रूप में, यहाँ पर सारांश रूप में वर्णित सृष्टि तथा संहार का यह क्रम, यह प्रक्रम ब्रह्मा के एक दिन, ब्रह्मा के एक दिन यानी कल्प के लिए विधि विधान स्वरूप है। यही महत् सृष्टि का भी
यही महर्षि जी का भी नियामक विधान है। नियामक विधान है इसमें प्रकृति विसर्जित हो जाती है। इसमें प्रकृति विसर्जित हो जाती है। हरे कृष्णा पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। सृष्टि के तीन प्रकार हैं, महाकल्प, विकल्प तथा कल्प। महाकल्प में भगवान महत्व तथा 16 प्रकार के सृजक तत्वों तथा साधनों की समस्त शक्तियों सहित कर्णों दक्षाए विष्णु के रूप में प्रथम पुरुष अवतार धारण करते हैं। सृजक कारणों की संख्या 11 है, अवयवों की 5 है और ये सभी महत अर्थात भौतिक अहंकार के फल स्वरूप हैं। कर्णों दक्षाई विष्णु के रूप में भगवान द्वारा की गई सृष्टि महाकल्प कहलाती है। ब्रह्मा की सृष्टि तथा भौतिक अवयवों का विसर्जन विकल्प कहलाता है और ब्रह्मा के जीवन के प्रत्येक दिन की सृष्टि कल्प कहलाती है। इसलिए ब्रह्मा का एक एक दिन कल्प कहलाता है। ब्रह्मा के दिनों में ऐसे 30 कल्प होते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में भी इस प्रकार हुई है। सहस्त्र युग पर्यंत महायर्धयाणो विदुः रात्रि युग सह श्रांताम तेयम हो रात्र विदो जना। उच्चतर लोकों का एक दिन तथा एक रात्रि पृथ्वी के पूरे वर्ष के तुल्य होते हैं। इसको आज के विज्ञानी भी मानते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों ने भी इसकी पुष्टि की है। इसी तरह और उच्चतर लोकों में दिन रात्रि की अवधि स्वर्ग लोकों से दीर्घ तक होती है। चारों युगों की गणना स्वर्ग पंचांगों के आधार पर की जाती है। इस प्रकार इनका काल स्वर्गलोकों की परिभाषा के 12,000 वर्ष है। यह दिव्य युग कहलाता है। ऐसे 1,000 दिव्य युग ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। ब्रह्मा के एक दिन की सृष्टि को कल्प कहते हैं। ब्रह्मा की सृष्टि विकल्प कहलाती है। जब महाविष्णु की श्वास से विकल्प संभव होते हैं तो यह महाकल्प कहलाता है। इस प्रकार महाकल्प विकल्प तथा कल्प का नियमित चक्र चलता रहता है। इसके संबंध में महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जो उत्तर सुखदेव गोस्वामी ने दिए थे वे स्कंद पुराण के प्रभास खंड में दिए गए हैं और वे इस प्रकार हैं। प्रभु जी ये बहुत सारे श्लोक है, प्रभु जी ये पढ़ना है क्या? पढ़िए, बहुत सरल है, बताता है क्या। प्रथमः श्वेत कल्पश्च द्वितीयो नील लोहिता वामदेव तृतीयस्तु ततो गाथान्तरो अपरा रौरवः पंचमः प्रोक्त षष्ठः प्राण इति स्मृतः सप्तम अथ व्रत कल्पः कन्दोर्प उष्टम उच्यते सद्योत नवमः कल्प ईशानो दशमः स्मृतः ध्यान एकादशः प्रोक्ता स्थता सारस्वतो परः त्रयोदश उदानस्तु गरोणस्त चतुर्दशः कौर्म पंचोदश गेह पौर्णमाशी प्रजापते षोडशो नारसिंहस्तु समाधिस्तु ततो अपरः आगेन्यो विष्णुजः शोरः सोमकल्प ततो अपरः द्वाविशो वावनः प्रोक्त सुपु मानित चापरः वैकुंठ सृष्टि। प्रभु जी ये समझ में नहीं आ रहा है। सप्तविंशो अतः वैराजो गौरी कल्प स्थ तथा परा माहेश्वरा तथा प्रोक्त स्त्री पुरो यत्र घातितः पितृकल्प स्थता चाते या कुहु ब्राह्मण ब्राह्मण स्मृता। माता जी आपने बहुत अच्छा पढ़ा। ये एक्चुअली 30 जो दो आपके ये हैं कल्प 30 कल्प उनका वर्णन है। एक कल्प का ये नाम है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ये पढ़ रहे थे आप अभी। इसमें पढ़िए, नीचे दिया हुआ पढ़िए। इस प्रकार ब्रह्मा के 30 कल्प ये हैं। श्वेत कल्प नीलो हित वामदेव गाथांतर रोरव प्राण ब्रह्म कल्प कंदर्प सद्योत ईशान ध्यान सारस्वत उदान वरुण कौर्म नारसिंह समाधि आगेन्य विषुज सोर सोर सोमकल्प भावन सुपुम वैकुंठ अर्चिष बलिकल्प वैराज गौरीकल्प माहेश्वर पैतृकल्प। ये 30 ब्रह्मा के दिन हैं और इन उन्हें महीनों से लेकर लगातार 100 वर्षों तक रहना होता है। अतः हम अनुमान लगा सकते हैं कि केवल कल्पों में कितनी सृष्टियां होती होंगी। इसके बाद विकल्प होते हैं जिनकी उत्पत्ति महाविष्णु की श्वास से होती है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। यस्य कानि श्वस्ति कालम अथावलम्ब्य जीवन्ति लोम गिरिजा जगदण्डनाथा। सारे ब्रह्मा महाविष्णु के निश्चित निश्वास अवधि के दौरान ही जीवित रहते हैं। अतः विष्णु के श्वास निश्वास का महाकल्प है।
ये सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही कारण है, क्योंकि उनके अतिरिक्त सारी सृष्टियों का अन्य कोई स्वामी नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। ये देखिए, ये कल्प के बारे में वर्णन है। तीन शब्द आए यहाँ। एक कल्प क्या है आपको जानते हैं, ब्रह्मा का दिन कल्प कहलाता है। और विकल्प क्या है, जो ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, महाकल्प जो महाविष्णु सृष्टि करते हैं। ये तीन, ये विकल्प के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बताऊंगा, क्योंकि कल मैं ऐसे व्यस्त रहा कि मैं इसको देख नहीं पाया। विकल्प में आपको डाउट हो सकता है कि विकल्प क्या चीज है। विकल्प बताया गया इसमें, जो सृष्टि ब्रह्मा करते हैं उसको विकल्प कहते हैं। कल्प ब्रह्मा के दिन में जो सृष्टि होती है, तो दोनों में, ब्रह्मा के दिन में जो सृष्टि होती है या ब्रह्मा जो सृष्टि करते हैं, उसमें फर्क क्यों है, इसके बारे में मैं आपको कल परसों को बताऊंगा। मैं इसको थोड़ा पढ़ के बताऊंगा विकल्प के बारे में, क्योंकि कुछ लोग इसको दूसरे ढंग से भी विस्तार करते हैं। तो बहुत जगह पर विकल्प कुछ दूसरे ढंग से भी आया है, इसलिए तो जैसे मैं शुरू से आपको देख के बताता हूँ जो इसमें बताया है। ये सृष्टि के तीन प्रकार, महाकल्प है कोई डाउट नहीं, महाविष्णु यानी कारणोदक्षय विष्णु श्वास छोड़ते हैं, असंख्य ब्रह्मांड पैदा होते हैं और सांस अंदर ली सारे चीजें उनमें आ जाती, जो पैदा किया सब उनमें सृष्टि, और जितने देर तक उन्होंने सांस छोड़ी है उतनी देर तक सब ब्रह्मांड जो है अपना कार्य करते हैं, जीवित हैं, सृष्टि होती है। जैसे वो सांस वापस लेते हैं तो सारे चीज उनमें चली जाती, ये है महाकल्प। विकल्प इसमें जो बताया है अभी मैं पढ़ता हूँ। कल्प क्या है, ब्रह्मा जी का दिन है। कल्प ब्रह्मा जी के दिन में जो, ये सृष्टि की बात हो रही, कल्प की बात नहीं, कल्प तो ब्रह्मा जी का एक दिन है। अब इन तीनों में क्या देखे, महाकल्प में भगवान महत्त्व तथा 16 प्रकार के सृजन तत्वों साधनों की समस्त शक्तियों का सहित कारणों दक्षिण विष्णु का, हम पहले भी पढ़ा था, ये पल्लवी माता जी को डाउट भी हुआ था कि ये स्वर्ग क्या है, विसर्ग क्या है, स्वर्ग की बात हुई थी। भगवान स्वर्ग पैदा करते हैं और फिर उसके बाद उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं ब्रह्मा जी, उसको विसर्ग कहते हैं। ये पहले उसमें श्लोकों में ये क्लियर हो गया। अब इसमें ये जो बताया गया है, कारणोदक्षय रूप में भगवान द्वारा की गई सृष्टि महाकल्प कहलाती है, ये आपने समझना है, ये क्लियर। ब्रह्मा की सृष्टि, अब ये ध्यान से सुनिए, ब्रह्मा की सृष्टि तथा भौतिक अवयवों का विसर्जन विकल्प कहलाता। विसर्जन का, विसर्जन त्यागना होता है ना, विसर्जन क्या, विसर्जन का अर्थ क्या है, आप कहते हैं ना विसर्जन करना, मतलब उसको पूरा करना। जी प्रभु जी, यही है ना, मैं इंग्लिश में सही है प्रभु। हाँ, तो उसको इसको हम कहते हैं विकल्प ब्रह्मा का। और ब्रह्मा के जीवन के प्रत्येक दिन की सृष्टि कल्प कहलाती, प्रत्येक दिन की सृष्टि अगर कल्प है तो ब्रह्मा जी की विकल्प क्या है, थोड़ा सा डाउट मुझे है इस पर, इसको प्रभु जी आगे इसमें यही तात्पर्य में आगे आया है कि ब्रह्मदेव की जो निर्मिति है उसी को विकल्प कहा जाता, मतलब एक तो है ब्रह्मदेव की निर्मिति वो विकल्प, और ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई वो कल्प है। और विकल्प क्या है, ब्रह्मा की जो ब्रह्मा निर्माण हो रहे तो वो विकल्प है, मतलब शिरोदक्षय गर्भोदक्षय विष्णु से जो ब्रह्मा जी आ रहे हैं प्रकट हो रहे तो वो विकल्प है, ऐसा आगे है, आगे का आगे के पैराग्राफ में है प्रभु जी। समझ गया मैं वो हिंदी शब्द का मैंने इंग्लिश में पढ़ा नहीं ना, ठीक है माता जी, हिंदी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो ये ब्रह्मा जी की सृष्टि
ब्रह्मा जी की सृष्टि, ब्रह्मा जी का सृष्टि, ब्रह्मा जी की सृष्टि का मतलब ब्रह्मा जी ने सृष्टि नहीं की, ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई तथा भौतिक अवयवों का विसर्जन जो महत्व तो पैदा किए भगवान द्वारा उसको विकल्प कहते हैं। ठीक है माता जी, अब डाउट क्लियर हो गया क्योंकि मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि का मतलब जो सृष्टि ब्रह्मा जी ने की उसको समझ रहा था, तो अब क्लियर हो गया। लो तो ये विकल्प भी क्लियर हो गया और फिर भी मैं एक बार इसको देखूंगा। ब्रह्मा जी के जीवन के प्रत्येक दिन की सृष्टि जो ब्रह्मा जी करते हैं वो कल्प कहलाती है। तीन क्लियर हो गए। आप लोगों को क्लियर शायद अभी नहीं हुआ होगा अगर मेरी तरह से जो मुझे पढ़ने में लग रहा था और पल्लवी माता जी ने क्लियर कर दिया वो क्या है। ब्रह्मा जी की सृष्टि जो गर्भोदक्षाई विष्णु ने की थी अपने नाभि से, वो सृष्टि और उसका विसर्जन जो किया था भगवान ने वो विकल्प कहलाता है। महाकल्प भी भगवान की सृष्टि है और विकल्प भी भगवान की सृष्टि है और कल्प जो है ब्रह्मा जी की सृष्टि है, ऐसे समझिए आप, ऐसे आपको समझ आ जाएगा। तो यही चीज है इसमें। और 30 जो विकल्प हैं, सॉरी जो 30 कल्प हैं, 30 दिन हुए ना, कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, तो 30 कल्पों का श्लोक दिए थे जो बहुत सुंदर है पढ़ने में लगता है। एक ये एक है, देखे आप शुरू में देखे, इसलिए मैंने कहा प्रथम श्वेत कल्पस्य द्वितीयो नील लोहिता। पहला श्वेत कल्प है, श्वेत कल्प, दूसरा है नील लोहित, दूसरे का नाम, इसलिए मैंने कहा जोर दिया कि पढ़ो इसको अच्छा लगता है। ये देखिए, पहला श्वेत कल्प है, दूसरा नील लोहित है, वामदेव है, कादंदर है, ऐसे ये 30 कल्प, और लास्ट जो है 30वां पैतृकल्प है। ये 30 महीना का, एक महीना हो गया ब्रह्मा जी का। ऐसे ब्रह्मा जी को, इसको 12 से गुणा करिए, ब्रह्मा जी का एक वर्ष हो गया, और उसको 100 से गुणा करिए, ब्रह्मा जी की उम्र हो गई। बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। परिमाणम च कालस्य कल्प लक्षण विग्रहम यथा पुरुषात् यदा पुरुषात् व्याख्यास्ते व्याख्यासे पाद्मं कल्पमथो शृणु। मेरे साथ पढ़िए। परिमाणं च कालस्य, परिमाणं च कालस्य कल्प लक्षण विग्रहम यथा पुरुषात् व्याख्यासे आत्मं कल्पमथो शृणु। परिमाणं माप च भी कालस्य, समय की, कल्प ब्रह्म का एक दिन, लक्षण लक्षण विग्रहम रूप, यथा जिस तरह, पुरस्तात इसके बाद व्याख्या से बताया जाएगा, पाद्मं पाद्म नाम से, कल्पम एक दिन की अवधि, अथो इस तरह सुनो हे राजन, आगे चलकर मैं काल, अब ये बोल रहे हैं आपको सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, और यही चीज मैत्रेय विदुर को बता रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहा, और वही चीज उन्होंने ऐसा कहा करके सूत गोस्वामी ने सारण में बता रहे। हे राजन, आगे चलकर मैं काल के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों का की माप तथा उनके विशिष्ट लक्षणों सहित वर्णन करूंगा, किंतु इस समय मैं तुमसे पाद्म कल्प के विषय में कहना चाहता हूँ। पाद्म कल्प एक्चुअली क्या है, इसके विषय में बताएंगे। मेरे साथ पढ़िए। हे राजन, आगे चलकर मैं काल के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों की माप का उनके विशिष्ट लक्षणों सहित वर्णन करूंगा। किंतु इस समय में
तुमसे पद्मकल्प के विषय में कहना चाहता हूँ हरे कृष्णा। अरुण गुप्ता माता जी प्रभु जी कौन अरुण गुप्ता हरे कृष्णा माता जी क्योंकि जब विष्णु के उदर से निकलते हुए कमल पद्म के से ब्रह्मा उत्पन्न हुए तो उस समय भगवान वराह के रूप में अवतरित हुए थे, इसीलिए वराह कल्प को पद्म कल्प भी कहते हैं। और भागवत के प्रथम भाष्यकार स्वामी श्रीधर का अनुसरण करते हुए जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे आचार्यों ने इसकी पुष्टि की है। अतः ब्रह्मा के वराह कल्प तथा पद्म कल्प में कोई विरोधाभास नहीं है। ये बता रहे हैं प्रभुपाद। तो आप पद्म कल्प कहें या इसको वराह कल्प कहें या ब्रह्मा का कल्प, ये एक ही चीज है, ये बता रहे हैं प्रभुपाद ने। देखिए किसका उदाहरण दिया, जो श्रीधर स्वामी हैं भाष्यकार, किसके, भागवत के प्रथम भाष्यकार श्रीधर स्वामी, ये परंपरा के आचार्य महान, उन्होंने भागवतम पर टीका लिखी, तो उनका। और उसके बाद लिखा है जीव गोस्वामी ने, और ये सब आपके परंपरा के हैं, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महान आचार्य रहे हैं हमारे इसमें गौड़ी परंपरा में, माधवा परंपरा में, और उन्होंने इसकी पुष्टि की है, इसलिए और कुछ पूछने की जरूरत है ही नहीं। तो वराह कल्प कहो, पद्म कल्प कहो, कल्प कहो ब्रह्मा का कल्प, एक ही चीज है, श्वेत कल्प कहो, सबका एक ही नाम है, ये कहा गया। तो आज भी हमारा ये रह गया अध्याय नहीं हो पाया, ये अध्याय बहुत लंबा टाइम खींच गया हमसे। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचाज देश तारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा साधि गौर भक्तगण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण अरुण गुप्ता प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा सवाल था वो जो सेकंड लास्ट श्लोक जो हमने पढ़ा था, सेकंड लास्ट श्लोक, उसमें बताते थे कि ब्रह्मा जी की आयु वैसे बोलते हैं कि 100 साल है, तो उसमें था कि एक दिन ब्रह्मा जी का एक कल्प के हिसाब से होता है और उसमें सिर्फ 30 ही कल्प दिए हैं प्रभु जी, तो वो 30 कल्प 100 वर्षों में कैसे भाग होते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं? ये भी एक सवाल है। जैसे आपके 30 दिन हुआ, एक महीना हुआ ना प्रभु? हाँ जी 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 प्रभु जी। आपका ये सवाल है कि अब दूसरे महीने में कल्पों का दूसरा नाम होगा, ये कह रहे हैं आप जी? वो मतलब आप जैसे वो 30 कल्प थे तो वो 30 कल्प का एक महीना हुआ, तो ऐसे वो 12 बार सेम 30 कल्प आएंगे तो वो ब्रह्मा जी की आयु हो जाएगी, वैसे प्रभु जी? हाँ ये ऐसा है, जहां तक मैं सोचता हूँ। अभी ये भी मैं पता करूंगा कि कल्प के नाम बदलते जाते हैं नहीं बदलते। जैसे ऐसा है, हफ्ते में सोमवार आता है, मंगल आता है, बुध आता है, शनिचर आता है, आपका रविवार आता है, फिर सोमवार आता है। मेरे ख्याल से जब ये 30 दिन का जो महीना है ब्रह्मा जी का, जो ये कल्प के नाम है, फिर दूसरे महीने में वही कल्प दोहराएंगे, फिर वही कल्प आएंगे, फिर वही कल्प आएंगे, 30 कल्प हैं ब्रह्मा जी के। बता दो हरे कृष्णा, समझ आ रहा प्रभु? धन्यवाद। हाँ वही फिर दूसरे महीने आएगा,
फिर तीसरे महीने आएगा, क्योंकि महीना 31 का नहीं है, 30 का है। ब्रह्मा जी का जो महीना है वो 31 का भी नहीं है, 29 का भी नहीं है, 30 का बताया गया। तो ये 30 कल्प हो गए, यही कल्प फिर रिपीट करेंगे, ऐसा मेरा ख्याल है। मैं इसमें पता करूंगा कि ये ब्रह्मा जी के 100 साल तक ये सब बदलते जाएंगे, हर साल नहीं बदलेंगे, ये पता करूंगा। ये हर महीने, ये तो एक महीने का है, और फिर उनके 12 महीने हैं, बदलेंगे, फिर दूसरे साल फिर और बदलेंगे। जहां तक मेरा मुझे अपना ज्ञान है, समझ है, ये कल्प यही रहेंगे, यही रिपीट होते जाएंगे। जी प्रभु जी, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि ब्रह्मा जी का ये 51वां साल चल रहा है, तो उस हिसाब से हमें हमारा जो कल्प होना चाहिए वो 21, अभी जो उसमें 21वां है वो होना चाहिए, 30 के बाद फिर वो 51वां कल्प। हाँ, ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ब्रह्मा जी की जो उम्र है 50 वर्ष हो चुकी है, और अभी जो कल्प में ब्रह्मा जी का जो कल्प है 51वां कल्प होगा, 51वां जो वर्ष है ब्रह्मा जी का, उसमें जो पहला कल्प है उसका 7वां मनु चल रहा है अभी, वैवस्वत मनु। 14 मनु होते हैं ना ब्रह्मा जी के एक दिन में, एक कल्प में 14 मनु होते हैं, तो 14 मनु में से अभी 7वां मनु चल रहा है। अभी ब्रह्मा जी की उम्र बहुत लंबी है जी। तो जी प्रभु जी इस कल्प का नाम भी है क्या, जिस कल्प में अभी हम हैं ब्रह्मा जी के कल्प में? हाँ, ये इस कल्प का ये पहला कल्प होगा ना प्रभु, ये अभी जो है 51वां जो कल्प है, ये जो आपने, क्योंकि पहला कल्प क्या था हमारा, श्वेत कल्प था ना, 12 कल्प प्रभु जी, वो 30 के हिसाब से 21वां होना चाहिए ना, अगर 30-30 का एक महीना है। हाँ, तो वो पहला ही कल्प हुआ। अच्छा, एक महीना हुआ। अच्छा, वो पहला ही कल्प हुआ। मनु है 7वां कल्प, तो पहला ही हुआ जी प्रभु जी। एक कल्प में 14 मनु होते हैं, तो अगर 50 साल ब्रह्मा जी के पूरे हो गए, अगर 51वां साल शुरू हुआ है, तो पहला ही कल्प है, तो पहला कल्प क्या हुआ, ब्रह्मा जी के जो पहला कल्प है उसकी बात हो रही ना अभी, तो पहला कल्प जो है बड़ा या श्वेत कल्प जो दिखा था 30 वाले में, वो होगा अभी कल्प ही होगी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। अरुणी देवी दासी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे को दो बात कहनी है। एक तो अभी जैसे अभी हम कल्प के बारे में बात कर रहे थे, तो ये जो 30 कल्प हैं, ये श्रीमद् भागवतम का ये जो सेकंड कैंटो है, इसमें 30 कल्पों के नाम आए हैं, तो ये सेम ही रहते हैं, 30 कल्प के नाम भी सेम रहते हैं, और जो 14 मनु जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उनके भी नाम दिए हुए हैं श्रीमद् भागवतम में जी, तो उनके भी नाम सेम ही रहेंगे ऐसा हमने पढ़ा है जी। 14 मनुओं के नाम भी डिसाइडेड हैं, तो वो भी सेम ही रहते हैं, वो बदलते नहीं है। नहीं माता जी, मनु जो है ये कल्प के मनु, ये कल्प के जो मनु है 14, ये सेम नहीं रहेंगे, दूसरे कल्प में मनु बदल जाएंगे, सेम नहीं रहेंगे। अच्छा। मनु बदलेंगे। अच्छा, तो प्रभु जी, ये जो आपके 30 जो कल्प हैं, इनमें मनु सब में अलग अलग होते हैं। अच्छा, ऐसा है। यही चीज मैं आपको कंफर्म करूंगा कि कल्प बदलते हैं नहीं बदलते हैं, जहां तक मुझे समझ है कल्प वही शुरू हो जाते हैं, फिर जैसे सोमवार में आपको बताया था, दोबारा फिर सोमवार आ जाएगा, लेकिन ये 30 कल्प जो हैं, हर कल्प में मनु बदलते हैं। इस पहले कल्प में हमारे पास 14 मनु हैं, दूसरे कल्प में फिर 14 मनु आएंगे, तीसरे में फिर और 14 मनु आएंगे, ऐसा। अच्छा। तो प्रभु जी, जैसे आगे के कैंटो में हमको 14 मनुओं के नाम वर्णित हैं जी, तो और बाकी के आप जैसे कह रहे हैं बाकी के कल्पों के में भी अलग अलग मनु होते हैं, तो उनके नाम कहीं हमको मतलब इसमें पता हो सकते हैं, पता हो सकते हैं, वो
वो मैं पता करूंगा जी प्रभु जी जी। अब प्रभु जी ये जो श्लोक नंबर 46 आज हमने पढ़ा जी, उसके पपट में यहाँ पर मेंशन है सेकंड लाइन में, सृजन के तीन प्रकार हैं, महाकल्प, विकल्प तथा कल्प। महाकल्प में श्री भगवान महत्त्व तथा 16 प्रकार के सृजक तत्व। तो प्रभु जी 16 प्रकार के तत्व क्या हम जो श्लोक नंबर इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग का श्लोक था श्लोक नंबर 3 बिल्कुल वही है माता सोलह तत्व मेंशन है तो हम वो उनको ही लेके चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल वही सर्ग कहलाता है जी, भगवान ने उसी को किया और उसको लेकर के ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की वो विसर्ग कहलाते हैं। जी 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 प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, रीमा माता जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम जी माता जी। प्रभु जी यही जो कल्प विकल्प के ऊपर अभी बात हो रही है तो इसको मैं दोबारा दोबारा पढ़ रही थी अभी जैसे आप साथ साथ बता रहे थे, तो अगर हम ये दो सेंटेंस जोड़कर पढ़ें जो एक पहले पैराग्राफ में आया है कि कारणों दक्षाई विष्णु के रूप में श्री भगवान द्वारा की गई ये सृष्टियां महाकल्प कहलाती हैं और ब्रह्मा का सृजन तथा भौतिक अवयवों का विसर्जन विकल्प कहलाता है, और इसके साथ अगर हम अगले पैराग्राफ में नेक्स्ट पेज से ये लाइन जोड़ें कि ब्रह्मा के एक दिन की सृष्टि को कल्प कहते हैं और ब्रह्मा की सृष्टि विकल्प कहलाती है जब महाविष्णु के श्वास से विकल्प संभव होते हैं तो ये महाकल्प कहलाता है। तो प्रभु जी कहीं ना कहीं क्या इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि जैसे ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहा गया तो उनकी पूरी एक अवधि को विकल्प कहा गया, माने जिसमें उनके पूरे 30 ये भी आएंगे दिन भी आएंगे फिर वो 100 साल भी जिएंगे, क्या उसको विकल्प समझना चाहिए? नहीं नहीं ब्रह्मा जी की सृष्टि को विकल्प, ब्रह्मा जी की सृष्टि यही तो पल्लवी माता जी ने क्लियर किया था ना, इसमें एक्चुअली सेंटेंस क्या है, ब्रह्मा जी की सृष्टि का मतलब क्या सोचते हैं आप, जो सृष्टि ब्रह्मा जी ने की, नहीं, क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा, उसमें भी हिंदी में आप क्या हिंदी में की आता है ब्रह्मा की सृष्टि, ब्रह्मा की सृष्टि का मतलब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, ब्रह्मा जी की सृष्टि, ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई, विकल्प जो है ब्रह्मा जी की सृष्टि, क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा, उसको विकल्प कहते हैं। तो प्रभु जी उससे उनकी पूरी उम्र ही उसी में तो गई ना, जो उनकी अपनी सृष्टि हुई मतलब जो उनकी अपनी क्रिएशन है वो तो पूरे 100 साल का ही है ना उनका अवधि, तो क्या वही विकल्प नहीं हुआ? नहीं माता जी, यहाँ जन्म को कह सकते हैं प्रभु जी, 100 साल कहाँ लगे सृष्टि में, नहीं सृष्टि नहीं मतलब ब्रह्मा जी की अब माता जी कुछ कह रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ हरे कृष्णा प्रभु जी, कौन माता जी कह रही हैं, ब्रह्मा जी के जन्म को उनके सृष्टि मतलब जन्म उनका, आवाज नहीं सुनाई दे रही मेरे को, रीमा माता जी आप इसको अच्छी तरह पढ़िए, कल कल चर्चा करेंगे इसके ऊपर जी प्रभु जी, बिल्कुल पढ़ के और समझ के, आप जैसे मैं कह रहा हूँ ब्रह्मा जी की क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा वो विकल्प कहलाती है, तो समझ आ जाएगा, फिर कल बात करेंगे इसके ऊपर ठीक है। कल आपका वो भी है कि आपके कितने, आपको कहा था ना मैंने ये निकालिए इसके जो डेटी है क्रिएटिव जो टेटी उनकी भी बात करेंगे कल। हरे कृष्ण दीदी, आप सबका बहुत बहुत कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।